किसान देश की जनता का पेट भरता है और किसानों के नाम पर नेता भी राजनीति करते हैं। हमेशा चुनाव में किसान के हितेशी बनने वाले दल में शासन काल में किसान परेशान हो रहा है और अपने हक को लेकर उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। किसान संघ संयुक्त मोर्चा द्वारा किसान हितेशी मांगों को लेकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाना है, जिसमें हर राज्य से किसान सम्मिलित हो रहे हैं। इसी के चलते हाटपिपिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लिम्बोदा के राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ मालवा निमाड़ प्रांतीय उपाध्यक्ष कैलाश पाटीदार एवं घटिया ग्यासू गांव के राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के पदाधिकारी गगन सिंह सैंधव को 11 फरवरी को गलत तरीके से पुलिस प्रशासन ने बिना किसी सूचना के गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया था। कानूनी प्रक्रिया कर उन्हें बुधवार के दिन रिहा कराया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में अन्य किसान संघ के सदस्य और आम किसान उपस्थित रहे। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिला अध्यक्ष गगन सिंह सैंधव ने बताया कि प्रशासन ने गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया है। बिना किसी सूचना के ना ही परिवार के सदस्यों को जानकारी दी गई और दो सदस्यों को कानून को ताक पर रखकर सलाखों के पीछे भेजा गया था। दोनों पदाधिकारी दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, उस दौरान प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान दोनों पदाधिकारी का जेल के बाहर एवं बागली के चापड़ा चौराहे पर किसानों ने स्वागत किया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखी है और देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखी है और देखेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बहुत सा है अब न सहेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। हमारे संविधान में और हमारे कानून में लिखा है कि किसान अपने हक अधिकार की बात रख सकता है। हम हमारे अधिकार के लिए दिल्ली जा रहे थे एमएसपी गारंटी कानून को लेकर। हमें पुलिस द्वारा बिगड़ सूचना दिए बर्बरतापूर्वक उठाया और बागली की पुलिस ने हमें उठाया। हमारे घर वालों को ना सूचना दी और ना ही उन्हें कोई सूचना दी गई। हमारा ये कहना है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के आह्वान पर लाखों किसान दिल्ली जा रहे थे, उन्हें जगह जगह रोका गया और ये किसान की बर्बरता है, ये संविधान को दबाने का काम किया जा रहा है। अगर किसान समाज की आवाज़ उठाने के लिए है, हमें एक बार के हजार बार भी जेल जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार है और बार बार हम जेल जाएंगे किसानों के लिए, किसानों के हक के लिए। केंद्र सरकार का ये रवैया तानाशाही रवैया है, दमनकारी रवैया है। ये किसान की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं और किसान इससे दबने वाला नहीं है। ये 1947 का किसान नहीं है, ये 2024 का किसान है। अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है, इसलिए किसान की आवाज़ को दबा नहीं सकते। चाहे ये कितने भी तानाशाही रवैया अपनाए, हम दबने वाले नहीं है। चाहे हमें किसी भी जेल में डाले, लेकिन किसान समाज के लिए हम लड़ते रहेंगे मरते दम तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।